पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाएं। और इसी श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उसका नाम है सवेरे का सूरज, जिसे आपके लिए लिखा है मनीषा कुलश्रेष्ठ ने। कहानी सवेरे का सूरज एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है मधुरा। मधुरा किसी से प्यार करती है, पर हर किसी को प्यार की मंजिल तो नहीं मिलती। मधुरा की शादी कहीं और तय हो जाती है, जहां वो शादी नहीं करना चाहती। मधुरा के सामने एक दोराहा खड़ा हो जाता है, क्या उसको इस शादी के बाद जिंदगी में कभी सवेरा मिल पाएगा? क्या सूरज की किरणों की तरह उसकी जिंदगी भी चमकेगी? इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी में। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका नाम है सवेरे का सूरज और जिसे आपके लिए लिखा है मनीषा कुलश्रेष्ठ ने। आइए सुनते हैं। शादी का मंडप सजा था, घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। जब तक पूरे ना सात फेरों की रस्म चल रही थी और मधुरा वो दुल्हन बनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। मधुरा दुल्हन का भारी लिबास पहने लगभग चेतना शून्य सी अपनों और परायों की भीड़ में खड़ी थी। आनंद फानन ने जिस अजनबी से ब्याह दिया गया था, उससे वह शादी से पहले बस एक बार ही तो मिली थी, वो भी घर परिवार के 10 लोगों के बीच। अब वह मोड़ कटार साफा बांधे उसकी बगल में खड़ा था। रौनकदार विवाह के बावजूद मधुरा का मन भावनाओं से खाली था। होठों पर ही नहीं, आंखों में भी सुर्खी थी। बीते रातों के रतजगे की थकान और मम्मी पापा से बिछोह और नाराजगी तो उसे निढाल करने को काफी थे। एक बड़े शहर से दूसरे पिछड़े प्रदेश के एक कस्बे में बाकी का जीवन गुजारने का ख्याल
उसे सुन किए देता था। सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तंदे मन। सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तंदे मन। इस विदा की बेला में वह रोना चाहकर भी रो न सकी। माँ हिचकियों में रो रही थी उसे लिपटाकर, पापा कमीज की बांह से आंख पोंछ रहे थे। रेल अनजान दिशाओं की ओर जाने को मधुरा के शहर में आ खड़ी हुई थी। भाई इस सब तमाशे से उखड़ा मधुरा की अटैचियां और अन्य सामान रेल में चढ़वा रहा था। सामान के साथ उसे भी गठरी की तरह ट्रेन में चढ़ा दिया गया। एसी टू टायर का यह कूपा खास उन्हीं लोगों के लिए बुक किया गया था, बाकी लोग अन्य सीटों पर थे। बाय, ख्याल रखना, फोन करना आदि जुमलों के साथ ट्रेन धीमे से सरकने लगी। सारा सामान सीट के नीचे ऊपर जमा कर बड़े भाई ने मधुरा को सीने से लगाकर कहा, भाग्य यही चाहता था मधुरा, माजी को भूलकर ही खुश रह सकेगी। अपूर्व बुरा लड़का नहीं है, उसके विचार बहुत ऊंचे हैं, आदर्श और व्यावहारिकता का अनूठा मेल है वो। ये कहकर वे चलती ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, माँ की सिसकती छवि दूर होती गई। पिता कुछ दूर तक दौड़े ट्रेन के साथ। ऐसी ही तो एक ट्रेन दो बरस पहले उसका प्रेम और उसका चाव बहुत दूर ले गई थी ना, वह भी तो दौड़ी थी प्लेटफॉर्म खत्म होने तक। वो भी हताशा से हाथ हिलाता रहा था। मधुरा की उत्फुल्ल चेतना पर कोई प्रतीक्षा का भार रखकर चला गया था। इस बार अलगाव लंबा था, दो बरस की लंबी प्रतीक्षा की डोर एक दिन टूट गई। तरक्की के कालीन पर बैठ रेल की सीमाओं से आगे समुद्रों के पार चला गया था उसका पहला प्रेम। बेटा, तेरे राव अंकल ने बताया आज कि सजल अब सैन फ्रांसिस्को से नहीं लौटेगा, उसे भारत में कोई भविष्य नहीं दिखता। धूल पोल्यूशन भीड़ भाड़ के सिवा यहाँ रखा ही क्या है, ये मेरे नहीं उसके वाक्य है। और उसने किसी जापानी लड़की से शादी भी कर ली। तुम जानती हो बेटा, हमने तुम्हारी खुशी को सर्वपरि समझा और शादी की बात कहीं नहीं चलाई। अब एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, सोच रहे हैं। पापा कर दीजिए मेरा रिश्ता जहाँ आपको उचित लगे। मधुरा न जाने किस अंधेरी बावड़ी की सीढ़ियां उतर रही थी। माजी, अतीत, क्या वो चंचल लड़की वही थी? क्या सजल वही था जो उसके पीछे भागते हुए उसके हाँ कहने की प्रतीक्षा में कहता था, तुम नहीं मिली तुम्हें अकेला रहूंगा,
मुझे दुनिया में न पैसा न तरक्की न सफलता चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। अरे यकीन नहीं हो रहा मधुरा, इस शहर की सबसे सुंदर मणि मुझे मिल गई है। तो क्या मिलना हासिल करना ही तुम्हारी जिद थी सजल? आगे क्या करोगे? आगे आगे बस नौकरी बदल रहा हूँ ताकि तुम्हें एक शानदार जिंदगी दे सकूं। यहाँ से दिल्ली जाऊंगा और वहाँ से अमेरिका। क्यों, बेहतर नौकरियाँ तो अपने शहर में भी है ना, मुझसे दूर मत जाना प्लीज। अरे मधुरा, मुझे वहाँ बहुत अच्छी एमएनसी में नौकरी मिल गई है, छुट्टी में तो मैं आऊंगा ही और कमाऊंगा तो जहाज में बस 2 घंटे में पूना। बस वो 2 बार आ सका। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? डिब्बे में ठंडक थी, वह डिब्बे में अकेली थी, अपूर्व दोस्तों और भतीजों के साथ कूपे के बाहर था, वहाँ हंसी की फुलझड़ियाँ फूट रही थीं, वो कांच से सिर टिकाए थी और मन पिघल कर बह रहा था। तभी एक गर्माहट और स्नेह भरा हाथ उसके हाथों पर आकर टिका। मधुरा, इतना रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, लो चाय ले लो। मधुरा ने चेहरा उठाकर देखा, अपूर्व की बड़ी बड़ी आंखों में प्रेम था, आश्वस्ति थी। उसने चेहरा पोंछकर चाय का कुल्हड़ ले लिया, चाय में अदरक का स्वाद था, उसे अच्छा लगा। अपूर्व मुस्कुरा रहा था। क्या सोच रही थी, खिड़की से टिके? बस कुछ नहीं, यूं ही मम्मी के लिए। आने वाले जीवन के लिए नहीं? मधुरा को यह चुहलबाजी अच्छी नहीं लगी, वो चुप रही। उसका चेहरा देखकर अपूर्व भी चुप हो गया। एक बहुत लंबी चुप्पी के बाद वो कसमसाई। आपको व्हाट्सएप पर मेरे मैसेजेस मिले थे? हाँ? कौन से? आपने पढ़े भी थे? ब्लू टिक भी आया था ना? आपने जवाब दिया और न कॉल किया शादी के लिए। ओ, वो सगाई के बाद वाले? हाँ। मैंने 10 बार जवाब लिखकर डिलीट किए मधुरा, समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बातों पर क्या जवाब दूं। अच्छा, ये भी नहीं जान सका कि तुम चाहती क्या थी ये बताकर। सच कहूं मैं डरता भी था कि कॉल करके तुम्हें खो न दूं। मैं तुम्हें देखते ही अपनी पत्नी बनाने की कामना करने लगा था, सोचता था ये विषय उठाऊंगा ही नहीं। तुमने जिसे गुनाह के भाव से मुझे बताया वो प्रेम ही तो था। प्रेम तो खूबसूरत शय है, अपने प्यार से तुम्हारे मन की स्लेट पर से सारे दुख पोंछ दूंगा। मुझे तुम्हारे दुख से दुख पहुंचा कि तुम्हारा वो इतना महत्वाकांक्षी निकला कि तुम्हारा प्रेम उसे बांध न सका। मगर मथुरा, मुझे तो ये अच्छा लगा कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, तो फिर लगा कि 1 महीने की तो बात है, मिलकर ही बात कर लूंगा, मुझे कोई विघ्न नहीं चाहिए था। भरोसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने वो मैसेज शादी न होने देने के लिए किए थे। अरे क्यों, मैं पसंद नहीं था? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी, सोचा था आप कस्बाई सोच के होंगे, तो ये सब मैं तो ये सब कहाँ सहन कर सकेंगे, मगर आप तो मॉडर्न लगते हैं, बातों से और दिखने में भी। मधुरा, मैंने अपने पुरखों का गांव, ये कस्बा रहने के लिए अपने मन से चुना है। मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से MBA किया है, कई सारे वर्कशॉप देश विदेश में हैं।
क्या तुमने मेरा बायोडाटा पढ़ा नहीं अभी तक? ओह सॉरी, सच कहूँ तो आत्म पीड़ा में मैं वो बायोडाटा नहीं पढ़ पाई थी। मैं समझ सकता हूँ, तुम प्रकृति से प्रेम करती हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, न लगे तो बताना, हम पास के शहर में शिफ्ट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। सॉरी मैंने आपका मन दुखाया ना। सॉरी मत बोलो मथुरा, देखो तो उधर पलाश के जंगलों के पार कैसे शाम उतर रही है। तुम जैसे भावुक और अपने देश और गांव को इतना प्रेम करने वाले ने क्या कभी प्रेम नहीं किया होगा? चलो मैं भी बता दूं आज ही। हाँ प्रेम मैंने भी किया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टीचर से। मैं भारतीय दर्शन में प्रेम में प्राप्ति को सफलता मानता था, पर वो मानती थी कि प्रेम की असफलता में ही उसकी सफलता है। कुछ वर्ष गुजरने पर मैंने विवाह प्रस्ताव दिया तो उसने कहा कि हर प्रेम की एक्सपायरी डेट होती है, वो तो अब इस प्रेम से मुक्ति चाहती है। ओह एक्सपायरी डेट, तो तुम्हें चोट नहीं पहुंची? तब तो पहुंची थी, मैंने उसे कड़े शब्द भी कहे, लेकिन बाद में लगा कि ठीक ही हुआ। भारत आने का उसका कोई इरादा नहीं था, मेरा मन ऑस्ट्रेलिया में कतई नहीं लगता था। अपने कस्बे के सुनहरे खेत और घने जंगल याद आते थे। दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। तुम्हें बुरा लगा क्या मधुरा, कोई छवि टूटी? नहीं नहीं, सच कहें तो तुम्हारी छवि और अच्छी बन गई है। तो नींद आ रही है? नहीं, ये सफर बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो ना, चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। हाँ मेरे साथ तो चांद बैठा है सिरहाने। चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आंखों पर, थकी थकी लग रही हो, सो लो, वहाँ ढेर सारी रस्में तुम्हें थका डालेंगी। बिल्कुल नहीं, ये रात फिर थोड़ी ही आएगी, मुझे तो जागना है, आपसे बहुत कुछ सुनना है, और आप भी नहीं सोएंगे। हाँ अच्छा, बातों बातों में जाने कब कितने पहाड़, कितने जंगल और कितनी नदियाँ निकल गईं। दोनों कभी चुप रहकर एक दूसरे को ताकते और लिपट जाते। चाहत है अभी नई नई, रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे प्यार मेरा, इतना सा करम तू कर मुझ पर, इतना सा करम तू कर मुझ पर। फिर कभी दोनों में से एक बात का सिरा उठाता, मानो पूरी आत्मकथा आज ही बता देंगे। बचपन, भाई बहन, बचपन की शैतानियां, दोस्त, स्कूल, शौक, दुख, प्रेम, कॉलेज के दिन, संघर्ष, जीवन के लक्ष्य। हम के गुजर है रात जरा थम थम।
थमके गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर। अचानक क्षितिज पर केसर या आभा जागी। मधुरा अपूर्व के कंधे पर चारपल को ऊंघी ही थी कि अपूर्व ने उस बड़े प्रेम पगे शब्दों में पुकारा, मधुरा देखो सवेरा, हम जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएंगे। हमारे कस्बे के आने के चिन्ह दिखने लगे हैं। सूरज बस उगेगा और हम घर। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? दो ना। लो वो रहा। क्या सूरज अंबर को छोड़ के जाए? खुशबू छीन ले जाएगी, ये ना कभी हो पाएगा। ये हुआ कोई ना किसी पे यकीन करेगा, प्यार जहां से उठ जाएगा। सूरज अंबर को छोड़ के जाएगा, वो दिन कभी ना आएगा। कितना प्यार हमें तुम बोलो दो, मेरे प्यार को अपने प्यार से तोलो दो। प्यार का वादा कब तक याद रहेगा सनम, को थाम के कोई भी कसम नहीं खाएगा। ओ ला 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 ला। क्या सूरज अंबर को छोड़ के जाएगा? फट जाते हैं प्यार जो कम करते हैं वही तो जलते हैं, विश्वासों के बल पर ही घर चलते हैं। Oh,
सूरज अंबर को छोड़ के जाएगा। वो दिन कभी ना आएगा, क्या फूलों से खुशबू छीन ले जाएगी। नारंगी आभा लिए सूरज विहंस रहा था। रेल स्टेशन पर आ लगी थी। यहाँ केवल एक मिनट को ही रुकती थी। इतने सामान के साथ बहुत अफरा तफरी मच गई। अपूर्व ने हाथ देकर उसे उतारा। स्टेशन छोटा था मगर साफ सुथरा। छोटी सी ग्रामीण भीड़ आम डिब्बों में जा चढ़ी तो स्टेशन एकदम खाली हो गया। एक और धान के खेत थे, वहाँ से चलती हवा पकते धान की महक से ताजा कर गई मधुरा को। स्टेशन के बाहर लाइन से कई गाड़ियां लगी थी। सबसे आगे एक गाड़ी फूलों से सजी थी। उसके बाहर एक लंबी रौबीली महिला खड़ी थी। उसे और अपूर्व को देखकर वे आगे आईं। अपूर्व ने पैरों में झुकते हुए कहा, प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो बेटी। अरे यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। बेटी मधुरा, एक बात कहें आपसे। जी। आपने पहली बार पैर छुए, हमने स्वीकार किए। हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। और आपको हमने बहू नहीं कहा, ना ही कहेंगे। आप तो हमारी बेटी हैं बेटी। देखो, आगे से आप पैर नहीं छुएंगी। गांव बदल रही है। जी, जैसी आपकी आज्ञा। नहीं नहीं, आज्ञा नहीं। अपनी बेटी को कोई आज्ञा देता है क्या? आओ देखो, ये है मेरी छोटी सी दुनिया। अब इसे तुमने ही संभालना है। माँ, आप अपनी कुंभ में बिछड़ी दूसरी बेटी से मिल चुकी हो तो हम चलें? गाड़ी हम चलाएं? ना ना, हम अपनी बहू को खुद ड्राइव करके लेकर जाएंगे। मायका और अतीत पीछे उड़ते वो बार भी डूब रहे थे। धानी धरती और अपूर्व की दी गई नई दुनिया उसे घेरते जा रहे थे मुलायम घेरों में। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते है बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते है बाहों के साए, मुझे घेर लेते है बाहों के साए।
आकाशवाणी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जो आपके दिल को कहीं ना कहीं छू जाती हैं। और आज की कहानी थी सवेरे का सूरज, जिसे आपके लिए लिखा था मनीषा कुलश्रेष्ठ ने। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें लिख के जरूर भेजिएगा। हमें आपकी ईमेल का इंतजार रहेगा। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, FMGOLD@gmail.com FMGOLD@gmail.com। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
Thank you.
I love you so much, I love you so much, I love you.